और जानवर को नहीं बोला, कुत्ते गधे पता नहीं पशु पक्षी बहुत सारे थे, इसीलिए क्योंकि गाय का दूध माता जी के दूध के बराबर है, कैपिटल एंड बोल्ड इक्वल, नो नॉट लेस नॉट मोर। किसी कारणवश अगर माता जी का दूध कम है तो बच्चे को गाय का दूध पिला सकते हैं, देसी गाय का दूध। मेरे लिए गाय माने देसी, जो देसी नहीं है वो गाय नहीं है। अब विकास इतना हो गया हमारा कि अब जर्सी को बोलते हैं सामान्य गाय, इसको बोलते हैं देसी गाय, आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो उजला पदार्थ ज्यादा देती है इसीलिए कट गई। श्वेत क्रांति आ गई भारत में जी, इनको काटने के लिए क्रांति आई। हमें लगता है दूध की नदी बहाने के लिए क्रांति है, मुझे ऐसा लगता है। वो सुअर लाया हमने, सुअर और ऊंट और भैंस का हाइब्रिड है वो, आप रिसर्च करना जर्सी के बारे में। बोला क्या आप ये बेवकूफ इंडियंस, आप 2-4 लीटर गाय दूध देती है आप इसको रखते हो, उनको इसको खाना अच्छा लगता था, इनको पता है पढ़े लिखे लोग भारत में खेती नहीं करते, जो पढ़ लिया वो शहर जाता है, वो कुत्ते रखता है शहर में। हमें दूध से मतलब है जी, गाय से मतलब नहीं। भारत में आप देखो तो कम से कम हमारे देश में ऐसा ही है, दुनिया में भी ऐसा ही है, भोजन और पानी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। हमको लगता है ऐसे ही आता रहेगा, कोई तो करेगा जी, मुझे तो नौकरी करनी है, खेती कोई और करेगा, भोजन आता रहेगा। लगता है कि नहीं लगता? कितना भी बड़ा किसान हो बेटे से खेती नहीं कराएगा, कितना भी गया गुजरा आदमी हो शरीर में जान है वो शहर आ जाता है, पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो। इसीलिए जब आश्रम बनाया गुरुजी ने तो ऐसा रखा कि पता चले लोगों की कि 300 गाय है यहाँ पर, और गाय रखने वाले अब है हमारे पास 20-25 एक डेढ़ महीने से, 8-9 लोग थे जी पहले, 8-9 लोग। शहर का कोई शौचालय इसलिए नहीं बंद पड़ा होगा कि वहां साफ करने वाले लोग नहीं मिले, समझ रहे हैं आप मेरी बात। कोई बिल्डिंग इसलिए नहीं रुकी हो कि वहां कूली नहीं मिला काम करने के लिए, खेत बंद पड़ रहा है जी। 250 किसान ऑन एन एवरेज रोज मर रहे हैं भारत में, 6 लाख मर गए, गिन नहीं पाओगे आप उंगली से, 1, 2, 3, 4 करते 6 लाख नहीं पहुंच पाओगे। उतने लोगों ने आत्महत्या कर ली सफलतापूर्वक पिछले 16 साल में, हमारा भी योगदान है उसमें। हमें लगता है मैं तो अच्छा आदमी हूँ जी, मैं न किसी को मारता हूँ न किसी को बचाता हूँ न मैं वोट देने जाता हूँ, मैंने क्या किया देश को मैं बताऊँ। हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, अगर कुछ अच्छा हो रहा है हमारी वजह से तो खराब भी हो रहा है, क्या बोलते हैं आप? पता नहीं, भारत स्वतंत्र देश है, आप अपने क्या बोलते हैं विचारों से, मेरे विचार से सहमत हो सकते नहीं हो सकते दोनों बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। 10 साल मैंने भी खूब कंप्यूटर चलाया दबा के, अभी 3-4 साल से खेती करता हूँ आश्रम में, गाय पालता हूँ, तो पता चलता है, समझ में आता है कि पैसे से सब कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आता है लेकिन जरूरी है, और वो बहुत कुछ और सब कुछ के बीच में भोजन अटक जाता है। पैसे से हेल्थ इंश्योरेंस आएगी, हेल्थ नहीं आएगा, क्या बोलते हैं आप? फूड पॉइजनिंग आती है जी, फूड नहीं आता। किसी ने फेसबुक पर डाला कि दवा है जो है ना, मेडिसिन इज नॉट हेल्थ केयर, इट इज सिक केयर, प्लीज गेट योर बेसिक्स राइट। दवा से बीमार ठीक होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, दोनों दो चीजें हैं, है कि नहीं? दवा बीमार ही लेता है ना, पहलवान क्या करेगा दवा लेके, ठीक है। गाय फिर भी कट गई हमारे देश में, जानते हुए कि गाय के ऊपर उपनिषद लिखा हुआ है, गो उपनिषद है, उसमें सारी चीजें गायों के बारे में लिखी है। उतना मुझे पता भी नहीं और मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है, लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो गई जी। हम कुत्ते की रस्सी पकड़ के गाय का दूध ढूंढने जाते हैं, इसीलिए गाय कट गई। किसान आते हैं पूछते हैं ये गाय देसी है कि जर्सी है, एक एक ग्रुप तो आया यहीं का, कनकपुरा यहाँ जगह है बाजू में, वहां से आके पूछे कि तू हंसू नहीं हमें, ये गाय है कि भैंस है, आप समझ रहे हो? हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी, साइकिल को देख के कोई बच्चा भी नहीं पूछता ये कार कितने की है, उसको समझ में आता है, हाँ कि ना? मोटरसाइकिल को देख के कोई ट्रक नहीं बोलता उसको, लेकिन गाय को देख के पूछता है कि भैंस है कि गाय है। हमारा विकास कितना जबरदस्त हो रहा है, रोड बन गया गांव में, दारू के दुकान आ गए, पेट्रोल पंप गया, सारे युवक शहर आ गए, ये है विकास, होता है कि नहीं होता? और 10 साल अगर आपका बेटा रह गया शहर में तो जान लो 11वीं साल से वो घर नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब उसके बेटे की छुट्टी होगी और उसका बेटा बोलेगा लेट्स गो टू आवर ग्रैंडपास प्लेस, दादाजी के घर जाते हैं, वो उसका घर नहीं है, वो दादाजी का घर है, हाँ कि ना? खत्म हो गया ना रिलेशन। और जहां भी रहेगा आप बोलना बेटा सेहत का ख्याल रखना, नौकरी करना, लेकिन खेती नहीं करना, ये बात बनती है क्या? ऐसे की ट्रेन में बिठा दिया, टिकट वापिस लेके हैप्पी जर्नी, सेहत का ख्याल रखना, खेती नहीं करना। दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है ये, क्योंकि हर जीव को भोजन चाहिए, इंसानों की छोड़ो, सारे कीड़े मकोड़े सबको चाहिए भोजन, धरती से ही आएगा, उगाना कोई नहीं चाहता। मुझे एक्सप्रेशन जैसा लगता है, मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता, खाना सबको है, उगाना कोई नहीं चाहता। 2500 किसान एक दिन में खेती छोड़ रहे हैं भारत में, ये भारत की बात है खाली, भोजन पूरी दुनिया में लोग करते हैं, और पढ़े लिखे लोग नहीं करते, इसीलिए किसान मर जाते हैं। 4-5 दिन पहले एक बिल
पोस्ट किया था फेसबुक पर किसी ने, 2000 किलो अनार उगाया किसान ने, शहर गया बेचने के लिए, और वापस लेके कितना रुपया है पता है? 3 रुपये 80 पैसे। 2000 किलो अनार अगर वो रोज खाता भी ना तो 2-3 महीने तक अच्छे से भर पेट खाता, खून बनता अच्छा उसका। 150 रुपये से कम में सड़ा हुआ अनार नहीं मिलता जी किलो। 2000 किलो कितने का हुआ वो? गेट योर मैथमेटिक्स राइट। 3 रुपये 80 पैसे लेके वो जहर की पुड़िया नहीं खरीद लेगा क्या? और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीच बीच में अंग्रेजी घुसेड़ देते हैं हिंदी में, जिन्होंने अमेरिका देखी है, गूगल गुरु के शिष्य हैं, मल्टीलिंगुअल हैं, मार्केटिंग में एमबीए करा, कहीं का कुछ भी कुछ बेच देंगे, वो नौकरी करने में बिजी है, वो खेती नहीं करते। हेल्पिंग समवन एल्स हैविंग ए बिजनेस वी कॉल आवरसेल्फ सेटल्ड। पैसे कोई और कमाता है ना, नींद खाली मेरी खराब होती है, और घर में लोग समझते हैं बेटे की नौकरी है, जापान में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, बेंगलोर में रहता है, पूछना उसको, मंडे को घर जाना चाहता है, ऑफिस जाना चाहता है, हाँ कि ना? और दुनिया का सबसे कठिन काम है जी नौकरी करना, ढूंढना और उसमें सर्वाइव करना, जो कर रहे हैं उनको पता होगा, हाँ कि ना? वो कर लेते हैं हम, और खेती का नाम सुनते हमको लगता है सुसाइड है, पेस्टिसाइड है, गरीबी है, भूख, 1000 तरह के विशेषण आते हैं दिमाग में, तो खाना छोड़ दो ना। खेती सच में टफ काम है, एंड फॉर दैट मैटर नथिंग इज इजी आल्सो इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ। स्टॉप ईटिंग देन, नहीं होगा। खाना बंद कैसे कर सकते हैं? उगाना बंद कर दिया हमने, हमको लगता है मॉल से भोजन आ जाएगा जी, ये मॉल नहीं तो अगले मॉल में मिल जाएगा ऑर्गेनिक, है ना? मुझे लगता है ढूंढने से ऑर्गेनिक नहीं मिलता, उगाने से मिलता है। प्याज के नाम पर तरह तरह मचा रहे हैं, अनसीजनली, अभी हार्वेस्ट नहीं है प्याज का, महंगी क्यों नहीं होगी? एक प्याज उगा के तो देखो, पता चलेगा एक प्याज उगाने में कितना लगता है ना? हमेशा नहीं करते, 3 बार खाते हैं, प्लास्टिक में बांधते हैं, फेंकते हैं उसको, ऐसे जैसे चांद पे चला गया, वो फर्मेंट होता है, मीथेन बनता है, उसे कैंसर फैलता है, हमको लगता है मैं अच्छा आदमी हूं। झाड़ू देना तो मोदी का काम है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इतने निकम्मेपन की तरह हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा हार्ड बोलता हूँ, लेकिन सत्य यही है। 5000 टन खाली इस शहर से निकलता है एक दिन में किचन का वेस्ट। बेंगलोर बहुत छोटा शहर है बाकी मेट्रोज के कंपेरिजन, आओ दिल वो दिल्ली से कंपेयर करें तो काफी छोटा है। 5000 टन एक दिन का निकलता है, 1.6 मिलियन टन इन अ डे इन दिस कंट्री। आपको अगर बोल दे कि ये कचरे का एक दिन थोड़ा कर लो, जिसको हम भगवान मान बैठे ना, वो टेक्नोलॉजी एंड साइंस दे आर फेलियर, कंप्लीट फेलियर व्हेन इट कम्स टू गार्बेज मैनेजमेंट। कुछ नहीं कर सकते वो, सरकार को दोष देने से कचरा नहीं कम हो जाता, सेग्रीगेशन करने से कचरा कम नहीं होता, कम होगा क्या बताइए? सेग्रीगेट करने से कचरा नहीं कम होता, ये मुझे बेवकूफी जैसा काम लगता है। सेग्रीगेट करो और उसी डे की ट्रक में डाल के मंडूर में जाकर फेंक देते हैं। हाउ दिल वो सर, बेंगलोर इंदा था नहीं वो, मंडूर लेता ना विशाखो दो, एक बाजू में गांव है पूरे, वहां 14-15 लाख मेट्रिक टन सर रहा है कचरा, एक श्वास नहीं ले सकते। वो सरकार का दोष नहीं है, सारे किचन का दोष है। कैंसर फैलाते हैं हम, हमको लगता है हम अच्छे आदमी हैं। 55% वेस्ट से हम गोबर बना सकते हैं और उससे टमाटर घर में उगा सकते हैं, जो दीदी बोल रही थी परमाकल्चर की बात, हमने वही किया। पत्थरों पे बिना खेत खुदाई किए उगा दिया, बिना बोरवेल डाले हुए उगा दिया। जो भी कर्नाटक में उग सकता है सब्जी और फल सारे आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट ए रॉकेट साइंस। अगर आपको खाना है तो उगाना पड़ेगा, आपको नहीं तो बच्चे को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 2012 से गेहूं का उत्पादन पूरी दुनिया में कम होना शुरू हो गया, और वो बोलते हैं नो मैटर व्हाट इट्स नॉट गोइंग टू कम अप, अब बढ़ने वाला नहीं है, जनसंख्या रुकेगी नहीं, कल को चावल कम हो जाएगा परसों। आई एम नॉट हियर टू डिप्रेस यू, लेकिन यथार्थ यही है, क्योंकि उगाना कोई नहीं चाहता। खेती के बारे में बड़ी बड़ी बातें लोग करते, किसानों को हेल्प करो, पैसे दे दो, ये वो करो, सब कुछ। अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शहर जाके किसी अपने क्या कलेक्टर ऑफिस में जाके वो बात ही नहीं कर सकता कि सरकार ने कितनी सब्सिडी दी, बात कर सकता है क्या? वो शरीर से अस्वस्थ है और शिक्षा से अस्वस्थ है, वो भी वो अशिक्षित आदमी है, जो 10वीं क्लास पास करते करते फेल हो गया, वो भी शहर आ गया, जो पहले धक्के में पास किया वो तो आ ही जाता है शहर से महानगर, महानगर से ऑन साइट वाला बोलता है लेट्स गो टू मार्स, देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन प्लैनेट अर्थ एंड इट्स वन वे रोड, नो वन कम्स बैक। कोई आता है क्या वापस? किसी का बेटा 15-20 साल बाद आया क्या शहर से वापस, बताइए आप? खाएगा खाक, है ना? इसीलिए गुरु जी ने डेमोन्स्ट्रेशन का जगह रखा, वो लूटने की जगह। आप थोड़ा नजरें खोल के देखिए, यहाँ पर आपको बहुत चीज लूटने की मिलेगी। आप किस नजर से आए, क्या चाहिए आपको? पैसे देखने आए, चेहरे देखने आए, ज्ञान लेने आए, पेड़ गिनने आए, मजे करने आए, ये लूटने की जगह गुरु जी ने बना के रख दिया, वो लेके नहीं जाएंगे। एंड फॉर दैट मैटर नो वन ऑफ अस विल टेक एवरीथिंग बैक, जो भी हमने दुनिया में फैलाया माया लेके तो नहीं जाएंगे। ऐसा रख दिया गुरु जी ने, गायों को देख लो थोड़ा, ये बहुत जरूरी है। और जहां गाय कम हो गई, देसी गाय, वहां पानी का लेवल कम हो गया,
आप थोड़ा गौर कीजिए, रिसर्च कीजिए इसके ऊपर। आईसीआर के साइंटिस्ट मानते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को प्रमोट नहीं करते।